चलो चलो जल्दी चलो, आगे ट्यूशन के लिए बहुत देर हो गई है। हाँ अभी आज तो मार पिट गई रहेगी। आगे पीछे काम तो बड़ा जल्दी करते हो, पर स्कूल और ट्यूशन जाने में कितना लेट करते हो। अरे मुझे ना कहो, उसे कहो जो आधा घंटा वॉशरूम में लगा देती है तैयार होने में। है क्या कह रहे हो भाई? हाँ ना, तो और क्या, जब तक हम दोनों अपना बैग रेडी कर रहे होते हैं आप उसी टाइम पे वॉशरूम में घुस जाती हो और वहाँ जाके बन सरवन लग जाती हो जैसे किसी शादी में जा रही हो। हाँ भाई ये बात तो है, पता नहीं आप ही सो जाती है। ए, मेरे वजह से कोई लेट नहीं होता, अपना जैसे पता नहीं है, कभी शॉर्पनर गुम हो जाता है, कभी पेंसिल गुम हो जाती है, कभी बैग गुम हो जाता है। अरे आप ही ये क्या बात कर रही हो, रबर तो इसका रोज ही गुम होता है और जितने की हम फीस देते हैं ना उससे डबल इसकी स्टेशनरी का हो जाता है, और वो जो पेंसिल के पीछे वाला रबर होता है ना उसे तो ये चबा चबा के तोड़ देती है। हेलो, आप दोनों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। आप मैं आपको तो बाद में जवाब देती हूँ, पहले मैं भाई को देख लूँ। मुझे जो कह रहे हो अपना पता नहीं, ये जो ज्यादा बातें कर रहा है, जब इसको ज्यादा काम मिलता है तो ये स्कूल ही भूल आता है और ट्यूशन वाले टीचर को कहता है मैं स्कूल भूल आया। क्या भूल आया? अरे अपनी बुक्स, वो भी जान पूछ के चला था मुझे बातें करने। और आप ही आप, जब आपके पास कुछ सामान नहीं होता ना तो मेरे बैग से चुरा लेती हो। वो मैं जान पूछ के नहीं भूलता, वो याद नहीं रहता मुझे बुक लेना। अरे वाह क्या जवाब दिया है, देखो इसको। तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता। अरे पागलो, लड़ने झगड़ने में अभी पूरी उम्र बाकी है, अभी ट्यूशन चलो, पूरे लेट हो चुके हैं हम। चलो चलो चलो, आप ही जितनी मर्जी जल्दी कर लो, हम ट्यूशन टाइम पे नहीं पहुंच सकते, मार तो अब पड़ेगी। हाँ भाई ये बात तो सही है, हम वक्त पे नहीं पहुंच सकते, मगर मार से बचने का एक रास्ता तो जरूर है। हाँ अभी जल्दी बताओ हम कैसे बच सकते हैं टीचर की मार से। हाँ अभी जल्दी बताओ, हमें जंगल के रास्ते से जाना होगा। क्या जंगल के रास्ते से? आप ही दिमाग तो ठीक है, क्या बात कर रही हो आप ही, जंगल से जाना, मरवाओगी क्या? अरे आप ही इससे बेहतर है कि हम ट्यूशन ही नहीं जाते। अरे पागलो, इससे तो हमें 3 दफा मार पड़ेगी, एक ट्यूशन टीचर से, एक मम्मा पापा से और एक स्कूल वालों से, क्योंकि हम होमवर्क करके नहीं जाएंगे। हाँ आपी ये बात तो ठीक है आपकी। हाँ आपी ये बात तो ठीक है, चलो फिर जंगल के रास्ते से चलते हैं। होशियार रहना दोनों। मैं तो रहूंगा, इस बेवकूफ को समझाओ। हैं भाई आपने मुझे फिर से बेवकूफ बोला। ये फोन कहाँ से बज रहा है? हाँ आपी ये तो पापा के फोन की बेल है ना। भाई पापा का फोन आपके पास है? नहीं नहीं आपी मेरे पास तो नहीं है। ए छुटकी आपके पास है? हाँ मेरे पास है, मैं लाई हूँ। ओ क्यों लाई हो पापा का फोन, इसलिए मैं आपको बेवकूफ कहता हूँ। सही कह रहा है वो, बेवकूफ नहीं है तो और क्या, पापा का फोन लेके आ गई। क्या जरूरत थी आपको फोन लाने की? मैं गेम खेलने के लिए लाई थी। अच्छा चलो आप ही छोड़ो ना, पापा खुद ही इससे निपट लेंगे। चलो हम ट्यूशन के लिए और लेट हो गए। चलो चलो आते जाओ आते जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है, आ जाओ आ जाओ। भाई ये जंगल का रास्ता ठीक नहीं है, ऐसी जगह के लिए तो एरोप्लेन होना चाहिए। चुप करके मेरे पीछे पीछे आते रहो।
है? अभी मुझे ऐसा लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसे ही लगा था। हाँ अभी मैंने भी एक बिना जूते के आदमी को देखा, मुझे तो वो किडनैपर ही लग रहा था। है? चलो भाई और आपी चलते छुपते। आपी और भाई ये बात सुनी कदमों की। हाँ आपी चलो चुपचाप से कहीं भाग के छुपते हैं। चलो 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 जी पापा। हाँ पापा, हम बस पहुँच गए हैं, जहाँ पे आपने कहा था ना वहाँ पे ही हैं। जी आप आ जाए मिले ने। ए आपी, पापा ने कब कहा था? अरे चुप, बेवकूफ लड़की। हाँ पापा, अब जल्दी आ जाए, जहाँ पे आपने कहा था ना हम वहाँ पे ही हैं। ठीक है पापा। हाँ जंगल से बाहर आ गए। ये बात तो मुझे समझ आ गई भाई कि सही जगह पे जाने के लिए गलत रास्ता नहीं लेना चाहिए। हाँ सुन रहे हो? अच्छा आप पहले ये रोना बंद करो, और मुझे समझ आ गई है कि कभी भी किसी काम के लिए शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। अब चलो सीधा घर चलते हैं, और मामा पापा को साफ साफ बात बता देते हैं कि बहुत लेट हो गए थे हम, ताकि वो टीचर को बता दें, और हम होमवर्क भी कर लेंगे घर जाके। ठीक है चलो, चलो।